देखिए, अगर आपकी कोई वेबसाइट है एंड आप कुछ उस वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा एक पेमेंट गेटवे। काफी सारे पेमेंट गेटवे हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस में, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं टू स्टेप अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड आप चाहते हैं टू ऑफर योर कस्टमर एन ऑप्शन टू पे इन क्रिप्टो करेंसी, देन यू विल नीड अ क्रिप्टो पेमेंट गेटवे। और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, एक क्रिप्टो पेमेंट गेटवे जिसका नाम है क्रिप्टोमस। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पर। आप सेट कर सकते हैं टू योर प्रोडक्ट कॉस्ट टू बी अ फिक्स्ड यूएस डॉलर या फिर फियाट। इस केस में यूजर कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी आपको सेंड कर सकता है, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो ही सेट करनी है एज प्रोडक्ट प्राइस, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की बात करें तो आप API के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, SDK के थ्रू या फिर शॉपिंग कार्ट प्लगइन्स के थ्रू। एक फीचर जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा वो है एनोनिमिटी। यहाँ पर आप ईमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू साइन अप कर सकते हैं, आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। एंड टीम के रोड मैप में और नॉन कस्टोडियल वॉलेट भी हैं, यानी कि फ्यूचर में आप मेटामास्क, फैंटम वॉलेट, उनके थ्रू भी साइन अप कर पाएंगे। काफी सारे यहाँ पर ब्लॉकचेन सपोर्ट किए गए हैं, जैसे कि मैटिक, इथेरियम, ट्रॉन, बिटकॉइन एंड इफ यू वांट प्राइवेसी देन मोनेरो एज वेल। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे की सारे क्रिप्टो करेंसी जो है वो वोलेटाइल है, आज किसी का प्राइस 1 लाख है, कल को हो सकता है 60,000 हो जाए। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ऑटो कन्वर्जन का एक फीचर दिया हुआ है। जैसे ही आपको रिसीव होगी एक पेमेंट इन एनी क्रिप्टो करेंसी, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी स्टेबल कॉइन, जैसे कि USDT, USDC। बात करें प्राइसिंग की, ठीक है, अच्छी बात है आपने ये इंटीग्रेट कर लिया है, लेकिन इसमें क्रिप्टोमस का क्या फायदा? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रिप्टोमस लेता है ओनली 2% कमीशन पर ट्रांजेक्शन, और कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्रिप्टो करेंसी यू आर रिसीविंग, जब आप विड्रॉ करेंगे टू योर ऑन वॉलेट्स, तो आपको विड्रॉल फीस तो देनी ही पड़ेगी। बाइनेंस स्मार्ट चेन में देखेगा जैसे कि नाममात्र की फीस है। अगर आप इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में ज्यादा फीस होती है, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। पॉलीगन में, ट्रॉन में और बाइनेंस स्मार्ट चेन में तो मिनिमल फीस होती है, 1-2 रुपए ही लगते हैं, 0.005 BNB, 1 BUSD, काफी कम मिनिमम विड्रॉल है यहाँ पे, यानी कि वो खास कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे कि जैसे कि सेंट्रलाइज एंटिटी में होती है कि आपके अगर $1,000 देंगे तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिजनेस यूज की बात करें तो पेमेंट गेटवे है, लेकिन अगर पर्सनल यूज की बात करें तो ये वॉलेट प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज प्रोवाइड कर रही है, स्टेकिंग प्रोवाइड कर रही है, कन्वर्टर एंड अर्न भी प्रोवाइड कर रही है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें इनके रोड मैप की, तो अगस्त में इनका iOS ऐप रिलीज होने वाला है, स्पॉट ट्रेडिंग रिलीज होने वाली है, सितंबर में बाइनेंस पे इंट्रोड्यूस होने वाला है। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो नवंबर में ये लोग यूजर्स से रिक्वेस्ट किए जाने वाले कॉइन्स भी ऐड करेंगे। एंड फाइनली दिसंबर में ये अपना ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, जैसे कि ईथर स्कैन है, वेबसाइट पर जाइए, इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखिए एंड अपनी वेबसाइट पर इसको इंटीग्रेट करिए।